खांडेलकर को कल्टी दिया, अमोल शुक्ला गया, गुरुनाथ तो भी ऊपर इधर भाव कलेक्टर जी का कौन देखू मात्र मुंबई का किंग कौन देखू मात्र उन भाई लोग है, भाई लोग की तरह रहना मांगता हूं, समझा? समझता है ना? So, hey, what's up, guys? कैसे आप लोग? तो गाइज ये जो नया वाला इवेंट है ना भाई, बहुत ज्यादा टफ है और गाइज इसपे ना मतलब बहुत ज्यादा तबाही वाला सीन हो रहा है। तो गाइज आज हमारे गेम में आए थे लेजेंड एक्स भाई, जिनके साथ हमारा फाइट होता है वो भी प्योर 1v1। तो गाइज फिलहाल उतरे थे हम लोग मौत के कुएं के ऊपर, आसपास ढेर सारे बंदे। अब यहाँ पर इवेंट बहुत दूर था तो सबका लैंडिंग कुछ गलत हो जाता है, तो यहाँ पर मैं भी इन लोगों के साथ फंस जाता हूँ और मेरा भी यहाँ पर गलत लैंडिंग हो जाता है। अब सबका लैंडिंग गलत तरीके से हो गया है तो चारों तरफ पूरा कोरा ही कोरा, सब इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ कुछ बंदे तो ये देखो भाई, पीछे देखो, पहले पीछे देखो आप लोग भाई, चाकू भिक्कू से मार रहे बंदे। अब इस वाले बंदे को बोट की गन मिल जाती है तो ये बंदा भाई मुझे मार देता है। अब मरने के बाद मेरे को वापस से वो वाला इवेंट क्लियर करने को जाने का था, तो दैट्स व्हाई भाई मैं पहले तो इधर आ जाता हूँ। और ऊपर बंदा भाई, ये निहत्ता बंदा था, इसके हाथ में गन वगैरह नहीं थी। अभी इसका टीममेट भी आसपास कहीं पे था बट कैंप कर रहा था, तो फटाफट से पहले इसको मारता हूँ। और मेरे को पता था इसका टीममेट कहीं तो है, दैट्स व्हाई मैं पीछे देख देख के चल रहा था। और अभी देखो भाई साहब के पास टैप टैप वाली गन थी, तो फटाफट से इसको मार देता हूँ और सीधा इवेंट पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर पहले से ही भसड़ मच गई थी तो फटाफट से हम लोग भी जाते हैं बंदों को मारने के लिए। अब जैसे ही मैं अंदर एंट्री करता हूँ तभी भाई लेजेंड एक्स भाई की किल फीड में दिखना चालू हो जाती है। अब ऊपर बंदा अब इस वाले बंदे को मारने के बाद मैं सीधा आता हूँ ये वाली लोकेशन पे। अभी ये पहले तो बॉट को मारता हूँ फिर यहाँ पे आगे रश करेंगे। अब बंदा तो गलत कैंप कर रखा था, उसकी फाइट चल रही थी, दैट्स व्हाई मैं बंदा तो समझ जाता है कहाँ पे कहाँ पे नहीं, जो भी हो उसको तो मार देता हूँ और सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ। अब सामने यहाँ पर कुछ बंदों की फाइट चालू थी तो मैं भी फटाफट से यहाँ पर थर्ड पार्टी करने को आ जाता हूँ। और अभी देखो एक बंदा नॉक करते ही तुरंत यहाँ पर मैं रश कर देता हूँ और इसके टीममेट और मेरी थोड़ी लॉन्ग फाइट होने वाली है, मतलब प्री फायर वाली फाइट यहाँ पर अभी हम लोग की होने वाली है। यहाँ पर बंदे को कोई और नॉक करता है, फटाफट से इसका किल चोरी करता हूँ। अभी ये वाले बंदे को मारता हूँ, अभी सामने बंदा इसको भी इजी तरीके से यहाँ पर मैं निपटा देता हूँ। ये वाले बट को मारने के बाद मैं थोड़ा लूट वगैरह करता हूँ और सीधे सेवर में आ जाता हूँ। अभी 1v4 देखना बस। यहाँ पर इनके पहले बंदे को तो मैं ग्रोजा से मार देता हूँ, नॉक फिनिश यहाँ पर मैं कर देता हूँ और हीलिंग वगैरह करके मैं सामने नेड कर देता हूँ। अब इनके दूसरे बंदे को मैं जैसे ही नॉक करता हूँ वैसे उसके टीममेट भागे भागे चले आते हैं।
भाई साहब क्या ही ओपी वाला क्लच हो गया ये। अभी फटाफट से इनको मैं थोड़ा सा फ्लैंकी शो कर देता हूँ और सीधा यहाँ पर आ जाता हूँ। अब पहले से ही सेवरने में कैंपिंग हो रखी थी, दैट्स व्हाई मैं सीधा ट्रिपल स्टोरी पे आता हूँ और तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है। अब ये जो बंदा था भाई लेजेंडिक्स भाई का टीममेट था, जिसको मैं गलत तरीके से यहाँ पर गाड़ी से उतार देता हूँ और फटाफट से यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। अब जैसे ही इसको फिनिश करता हूँ वैसे ही सीधा मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और मैं स्ट्रेटजी बना ही रहा था किधर जाऊँ क्या जाऊँ, तभी भाई ऊपर सीधा लेजेंडिक्स भाई आ जाते। अब ये भाई थोड़ा वेट कर रहे थे कि मैं कुछ गलती कर दूं और ये सीधा आके नीचे आके मार देंगे, बट मैं भी सोचा था कि बंदा जब तक नीचे नहीं आता तब तक मैं रश नहीं करूंगा। अब यहाँ पर मैं इनके टीममेट पे जैसे ही फायर करता हूँ तभी भाई मेरे पे कर देते हैं रश। भाई के साथ एक प्यारा सा प्योर 1v1 यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। मन कर रहा था छोड़ दूं टीम अप करूं, बट नहीं यार कॉन्टेंट है ना यार, तो मार देते। अब यहाँ पर मैं हीलिंग वगैरह कर ही रहा था तभी इनका बंदा पता नहीं यहाँ पर कब आ जाता है और मेरे पे फायरिंग वगैरह कर देता है भाई। पहले तो मैं पीछे की तरफ आके हीलिंग वगैरह लगाता हूँ और इनके टीममेट को मारने के लिए यहाँ पर मैं सामने की तरफ नेड करता हूँ। पहला नेड तो हो जाता है फेल जैसे ही मैं दूसरे नेड की पिंक खींचता हूँ, तभी इन भाई साहब का परफेक्ट नेड मुझे उड़ा देता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करने को ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बोलो जय श्री राम।